हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो चाहते थे कि मैं वेट गेन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँ, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली होने वाली है दोस्तों, और आप सभी के लिए हेल्पफुल भी होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं अल्फ़ा वीटा टॉनिक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है दोस्तों। मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसी के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे से खाते पीते तो हैं, वो टाइमली खाते हैं, टाइमली पीते हैं, पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उनकी जो बॉडी डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाती। यानी कि जो उनकी बॉडी ग्रोथ है वो वहीं पर रुकी हुई रहती है। वो अच्छे से खाते हैं, वो टाइमली भरपूर मात्रा में वो अपने भोजन को लेते हैं दोस्तों, लेकिन जो उनकी बॉडी होती है दोस्तों वो डेवलप नहीं कर पाती है। और उनकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले माचिस की तीली जैसे होने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अच्छे से खाते पीते नहीं हैं, बट जो उनकी बॉडी डेवलपमेंट है या फिर जो बॉडी ग्रोथ है दोस्तों वो अपने आप होने लगती है। यानी कि उनके खाने ना खाने से कोई उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि हम जैसे लोग खाएं या फिर ना खाएं, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो थोड़ी बहुत जो अच्छे से खाते पीते तो हैं, पर उनकी जो बॉडी है वो फूड को वो अच्छे से वर्क अपने बॉडी पे नहीं करा पाते हैं। तो उन्हीं के लिए दोस्तों ये अल्फ़ा वीटा टॉनिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये जो अल्फ़ा वीटा टॉनिक है विद जिनसिंग, इसमें जिनसिंग है। जो कुछ पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्क करते हैं, यानी कि वो दिन भर बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है दोस्तों वो रुक जाती है। बहुत सारे जो मेल या फीमेल जो होती हैं दोस्तों, उन्हें एनीमिया की भी प्रॉब्लम होती है। एनीमिया आप सभी को पता होगा, एक ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट की जो बॉडी ग्रोथ है या फिर जो उनकी बॉडी के मसल्स हैं दोस्तों वो ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, और साथ ही उनमें ब्लड की भी कमी होने लगती है। एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उसमें ब्लड की भी कमी होने लगती है। तो उस कंडीशन में भी ये जो टॉनिक है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही दोस्तों बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनका जो वज़न होता है, यानी कि जो उनका वेट होता है दोस्तों, वो अपने आप गिरने लगता है। तो वेट होता है वो गेन नहीं होता और वो कम होने लगता है दोस्तों। उस कंडीशन में भी जो ये टॉनिक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और अगर भूख लगने में भी अगर भूख की कमी हो रही है, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है या फिर उन्हें अपच की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में भी अल्फ़ा वीटा टॉनिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा दोस्तों कि क्या इसे खाने से हम मोटे हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, आप मोटे नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो जाएगी। यानी उसके हिसाब से आपकी जो बॉडी की वेट होनी चाहिए वो इस टॉनिक को लेने से आप मेंटेन कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टॉनिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है अल्फ़ा अल्फ़ा, जो कि जाहिर सी बात है इसमें रहेगी ही। बहुत ही अच्छी मदर टिंचर है दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा वेट गेन करने के लिए। नेक्स्ट जो इसमें मेडिसिन है दोस्तों वो है एविना सैटाइवा। एविना सैटाइवा मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी दोस्तों हमारी जो ये एक हेल्थ टॉनिक की तरह ही एविना सैटाइवा भी हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। साथ ही दोस्तों सिनकोना ऑफिशियल, सिनकोना जिसको हम आम भाषा में चाइना कहते हैं, चाइना हमारी पेट के डाइजेशन को ठीक रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। उसके बाद जो इसमें मेडिसिन है डैमियाना, डैमियाना मेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और साथ ही स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में, यानी कि जो मेल्स की स्पर्म काउंट होती है दोस्तों उन्हें भी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। उसके बाद है दोस्तों क्रेटेगस। क्रेटेगस हमारे हर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, हम क्रेटेगस दोस्तों हमारे हर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और यूज़फुल मेडिसिन होती है। ये उन पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सूट करेगी दोस्तों जिन्हें नींद इनकी होती है दोस्तों, वो नहीं आती, उस कंडीशन में क्रेटेगस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद है दोस्तों जिनसिंग। जिनसिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। जिनसिंग की मदर टिंचर भी आती है दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हेल्थ टॉनिक के लिए। उसके बाद है दोस्तों एसिड फॉस, कैलीफॉस, हाइड्रेस्टिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट में, जो कि दोस्तों हमारी बॉडी में जो बोन्स की वीकनेस है उसमें ये सभी मेडिसिन इफेक्टिव होती है। और हाइड्रेस्टिस जो है वो पेट की अनेक बीमारियों को ठीक करने में हाइड्रेस्टिस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है।
तो दोस्तों ये जो टॉनिक है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे बच्चे भी ले सकते हैं, एडल्ट भी ले सकते हैं और बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं। ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल, सेफ़ और अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। वेट गेन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। आप 3 से 4 मंथ इस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी जो वेट है वो 100% बढ़ेगी और ये आपकी बॉडी को ये बहुत ही ज़्यादा फैला नहीं देगा, यानी कि आपको ये मोटा नहीं कर देगा दोस्तों, लेकिन जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना ये आपकी बॉडी को ज़रूर प्रोवाइड करेगा। मसल्स हुआ या फिर ब्लड की जो कमी है दोस्तों, वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी इस मेडिसिन से। इसमें जिस तरीके से ये सारे फ्रूट्स के पिक्चर बने हुए हैं दोस्तों, ये ऑफकोर्स इसमें फ्लेवर्ड के रूप में एडेड हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और साथ ही दोस्तों ये 450 ml की मिलेगी और इसकी जो प्राइस है दोस्तों जस्ट 145 rupees, यानी कि 145 रुपये है, जो कि बहुत ही कम और रिजनेबल प्राइस है दोस्तों। 450 ml की क्वांटिटी आपको मिलेगी। और आपको इसे लेना कैसे है मैं वो भी बता देती हूँ। तो आपको इसे खाने के 5 मिनट पहले लेना है दोस्तों, जैसे कि आप जब खाने बैठ रहे हो उसके 5 मिनट पहले आपको ये एक ढक्कन करके सुबह एक बार ले लेना है, और फिर आप जब शाम को खाने बैठेंगे दोस्तों तो आपको एक ढक्कन करके इसे ले लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।